भजत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव सत् गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव सत् गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिव सत् गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 चंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल गुरुदेव की जय। तुम इधर चले सामने चले इधर आओ हिंदी भाषा कुछ होनी चाहिए जिसको देख कर हम बोले दो गोपी है और गोपी है आप हिंदी भाषी हो लेकिन वो तो अंग्रेजी से लेकर वो ड्रामा से बोल रहा था ना ये गोरे गोरे कहाँ से आए हरे कृष्णा तुम कुछ सुनाओगे कुछ सुना जाओ हरे कृष्णा। हाँ हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री नारद जी को
वसुदेव महाराज प्रश्न कर रहे हैं, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने पहले गुरु पदाश्रय से आरंभ करते हुए धीरे 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 जो कुछ कर ठाकुर जी के लिए करो जीवन में, और लास्ट में तब भी परम शांति मिलेगी जब भगवान की हम भक्ति करेंगे। और भक्ति में सबसे जो भक्ति का श्रेष्ठ अंग है भगवान का नाम कीर्तन। इसलिए बोले भजन रे श्रेष्ठ मत, भजन रे मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति। कहते जो नौ तरह का जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसको जो सार रूप में लिया फिर पांच तरह का भक्ति, जब उसको और सार रूप में लिए तीन तरह का भक्ति, श्रवण कीर्तन और स्मरण। लेकिन जब उसका भी सार लिया केवल हरि कीर्तन है, हरि नाम कीर्तन के द्वारा ही जीव का परम शांति और परम मंगल इससे ही होगा। इसलिए कल हम लोग ये बात को सुन रहे थे, हरि नाम संकीर्तन हमें नियमित पूर्वक हरि नाम करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु जब हरि नाम करते थे कभी नाचते थे, कभी गाते थे, कभी रोते थे, कभी जमीन पर लोट पोट खाते थे। तो महाप्रभु को पूछे तुम ये सब क्या कर रहे हो सन्यासी होकर के, हैं नाच रहे हो गा रहे हो। बोले मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, मेरे को गुरु जी ने कहा देख बेटा तुम मूर्ख हो, तेरे को ये वेदांत में अधिकार नहीं है, ये वेदांत तू नहीं समझ सकते हो, इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र को तुम जप करो। और गुरु जी के आदेश को पालन करते हुए मैं हरि नाम कीर्तन करते 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 एक दिन पागल हो गया, मेरी बुद्धि छर्ण हो गई। और हमने देखा वृंदावन में सुंदर जमुना किनारा, जमुना की नदी कलकल नाद से बह रही है, बड़ी सुंदर कदम वृक्ष है, उसको नीचे एक श्याम रंग का एक बालक को बंसुरी बजाते हुए देखा। उनको देखते ही तो मैं पागल हो गया, और मेरे को ऐसे ऐसे बुला रहा था। फिर तो मैं दौड़ा उसको पकड़ने के लिए, उसको पकड़ ही लिया था, देखा फिर वो है ही नहीं, फिर दूर में फिर को मेरे को बुला रहा है। इसलिए जब जब मैं ये हरि नाम कीर्तन करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब जब मैं हरि नाम कीर्तन करता हूँ तब तब मैंने वृंदावन में कृष्ण को बंसुरी बजाते हुए मैं देखता हूँ। बोले भैया यही हरि नाम का फल यही है, एक दिन कृष्ण ही स्वयं हैं साक्षात रूप में प्रकट हो जाए, यही हरि नाम का फल है। इसलिए कल हम इसको श्रवण कर रहे थे, तो उसको बाद में कहते हैं भगवान का नाम को लेकर के आंखों से आंसू आने चाहिए, हृदय द्रवीभूत होने चाहिए, रोंगटे खड़े होने चाहिए। अगर प्रभु का नाम करते हुए अगर ये स्थिति आती है फिर समझो हमारा हरि नाम सही सही हो रहा है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी कब ऐसे दिन आएगा तेरे नाम लेते लेते आंखों से आंसू की झरी बहने लग जाए, हमारे शरीर में फुलकित तो होने लग जाए, हृदय प्रेम से गदगद हो जाए तेरे नाम लेते लेते, हैं कब ऐसे दिन आएगा। अगर भगवान का नाम को लेकर के अगर हमारी हृदय पुलकित तो नहीं हो रहा है, आंखों से आंसू नहीं बहती हैं, फिर क्या समझनी चाहिए हमारे कुछ अपराध है, ये समझनी चाहिए हमारी कहीं ना कहीं हमारी ये अपराध हो रही है कहीं ना कहीं। इसलिए भगवान का नाम से पुलकित तो नहीं हो रहा है ये समझनी चाहिए। इसलिए श्री बामन गोस्वामी महाराज कहते थे रोना सीखो, रोना सीखो, हरि नाम करते हुए रो रो करके ठाकुर जी के पास में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए तब समझनी चाहिए हमारी नाम करने का फल मिल रहा है। इसलिए कहते जो भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र, इसलिए इसमें बता रहे हैं अगर हम भक्ति करेंगे ना हमारे तीन चीज होगा एक साथ में, तीन चीज होगा क्या होगा। बोले भक्ति करेंगे तो अगर सही सही निरपराध को साथ में हरि नाम लेंगे, हैं किसकी निंदा नहीं करेंगे, किसकी चुगली नहीं करेंगे, किसी वैष्णव के चरण में अपराध नहीं करेंगे,
गुरु अवज्ञा नहीं करेंगे, नाम अपराध नहीं करेंगे, अगर हम ये सब किए बगैर हरि नाम करेंगे तो भक्ति करेंगे तो जरूर उसमें कुछ उपलब्धि होगा, भक्ति करेंगे तो जरूर भगवत अनुभूति हमारी होएगा ही है। ऐसे भक्ति कर रहे कोई अनुभूति नहीं हो रहा, कभी ऐसे हो ही नहीं सकता है। कुछ भक्ति करोगे तो कुछ अनुभूति होगा अगर सही सही करेंगे, है सही सही करेंगे। और जब भगवत अनुभूति होगा स्वाभाविक रूप में जो विषय में दुनिया का प्रति तुम्हारी विरक्ति आएगी, संसार की बात अच्छी नहीं लगेगी, दुनियादारी चीज अगर कोई बोले तो ये लग जाए इस बेकार क्यों बकवास कर रहे हैं, अगर दुनिया की इधर उधर की बात सुन करके अगर हमें बड़ी मीठा लग रहा है, अच्छी लग रहा है, क्या समझनी चाहिए हमारी जो भक्ति है ना, कहते हमारी जो भक्ति है वो भक्ति अभी सही सही नहीं हो रहा है, हमारी भक्ति सही सही नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण, और कौन आए? अरे प्रभु जी आए, और कौन आए? बैठ बैठ जाओ, रुकोगे ना? दीदी ने जाने नहीं दिया, ब्रजवाला दीदी ने हमसे कह दिया गुरुजी यही नहीं है, अभी वहां गए हुए हैं रोकने की वजह से, अब किसी ने बताया गुरुजी तो रूम में ठीक। कथा सुन लो, आज नहीं जाओगे ना, रुकोगे ना? ठीक है, कल परिक्रमा करके जाना हमारे साथ। इसलिए यहाँ पर बताए भक्ति करोगे तो, जैसे उदाहरण दिया, जैसे भूख लग रही है, जब हम एक ग्रास खाएंगे ना उसके अनुरूप पेट भरेगा, अगर दो ग्रास खाए उसकी अनुरूप पेट तुम्हारी भर जाएगा, तीन ग्रास खाए उसके अनुरूप तुम्हारी पेट भरेगा है? और एक साथ में तीन चीजें होगी, पहला चीज क्या होगी, पेट भरते जाएगा, और जितने परिमाण में पेट भरते जाएगा उतना परिमाण में शरीर में ताकत भी आती जाएगी, उतना शरीर में ताकत भी आती जाएगी, और तीसरा क्या काम होगा, संतुष्ट होते जाएंगे हम। इसलिए बोले और एक चलेगा, बोले हाँ दे दो, खा लिया, बोले और एक चलेगा, बोले और मत दो, बोले नहीं और एक चलेगा, ले लो, ले लिया, बोले और एक, बोले नहीं और नहीं चलेगा, नहीं तो अगर जोर जबरदस्ती दे दिया तो खा लिया तो बोले ठीक है, बोले और एक चलेगा, बोले नहीं नहीं उल्टी हो जाएगी मेरी और नहीं चलेगा। इसलिए खाने का साथ साथ क्या हो रही है, तुष्टि हो रही है, पुष्टि हो रही है, और खुदा निवृत्ति भी हो रही है, एक साथ में तीनों काम हो रही है। तो उसी तरह जब हम भगवान की सही सही हृदय से अगर हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसे नहीं कपट युक्त होकर भक्ति कर रहे हैं, मन में दूसरे दूसरे चीज की अभिलाषा है, फिर तो फिर भक्ति करने पर भी वो भक्ति का फल नहीं मिलेगा, है भक्ति का फल नहीं। इसलिए महाप्रभु ने कहा जब बीज बो, देखना आसपास में कुछ इधर उधर का पेड़ निकल आती है, इधर उधर का पेड़ निकल आती है, लेकिन जो साधक है उनको पता है वो असली पेड़ कौन और नकली पेड़ कौन है। वो क्या करता है, नकली पेड़ को काट देता है, उखाड़ करके फेंक देता है। अगर नकली पेड़ को नहीं उखाड़ेगा तो क्या होगा, जो असली पेड़ को जो ताकत मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल करके वो दूसरे पेड़ को ताकत मिल जाएगी, वो सारे रस को वही खींच लेगा, और जो असली जो वृक्ष को ना वो ढक लेगा, फिर वो बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जब भक्ति करते समय हृदय में जो दूसरे दूसरे जो इच्छाएं हैं, कृष्ण भक्ति के सिवाय और जितने उल्टा पुल्टा इधर उधर जो इच्छाएं हैं, कभी ये इच्छाओं को काट देनी चाहिए, इच्छाओं को हृदय से निकाल देनी चाहिए। जब निकालोगे फिर क्या होगा, धीरे 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 वो वृक्ष बढ़ते 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 फिर धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसलिए अगर हम सही सही हृदय से फुकार फुकार करके भगवान को पुकारे और संसार की कोई विषय को कामना नहीं करे, बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता बा जगदीश धामे, अगर हृदय से धन जान पुत्र परिवार ये सब हृदय में इच्छा नहीं हो, केवल एक ही इच्छा हो, ठाकुर जी आपके चरण में हमारी भक्ति कैसे हो, तुम्हारी चरण में भक्ति हमारी कैसे हो, हमारी भक्ति कैसे बढ़े। अगर सच दिल से अगर हम भक्ति करेंगे फिर क्या होगा, वो जो भक्ति लता है ना वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जाएगा। पहले तो ये ब्रह्मांड को भेद करेगा, पहले ये ब्रह्मांड को उसको ऊपर चला जाएगा, बोले क्यों,
बोले हम जो भक्ति कर रहे हैं वो गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा को पाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो सारे ये ब्रह्मांड को भेद करके ब्रह्मलोक में पहुंचेगा और उसको भी क्रॉस करेगा। क्यों? हमारा उद्देश्य ब्रह्मलोक नहीं, फिर वैकुंठ जाएगा, फिर उसको भी पार करेगा। क्यों? हम वैकुंठ के लिए नहीं, हम तो राधा कृष्ण की सेवा के लिए। फिर ये अयोध्या जाएगा, फिर द्वारका जाएगा, मथुरा, फिर लास्ट में जाकर के राधा कृष्ण का चरण को यह आश्रय करेगा। पर यहीं पर साधक बैठ बैठ करके भक्ति करते रहेगा और भक्ति करते हुए राधा कृष्ण का प्रेम रस को आस्वादन करते रहेगा। इसलिए कहते भक्ति परेशान भव विरक्ति, एक साथ में ये तीन चीज होती जाएगी, एक साथ में तीन चीज होती जाएगी है, अगर हम भक्ति ठीक ठीक से भक्ति करें तो। अगर जब ये चीज होएगी फिर तो जीवन में परम शांति और जीवन में परम आनंद की जीवन में तभी जीवन में हमें प्राप्त होएगा। केवल भगवत भक्ति को द्वारा ही हम संपूर्ण रूप में जो सैटिस्फाई है ना, तब भी संपूर्ण सैटिस्फाई हो पाएंगे जब भगवान की शुद्ध भक्ति हृदय में जगेगा। इसलिए बोले कर्मी और ज्ञानी ये सब के सब अशांत है, बोले कृष्ण भक्त शांत। शांत कौन है? बोले कृष्ण का भक्त ही शांत है और जगत में सबके सब अशांत है, सबके सब अशांत। किसकी हृदय में चैन नहीं, सबका हृदय में बेचैन है। केवल कृष्ण जो भक्त है उसके हृदय में ही केवल चैन है, तभी ये परम शांति परम आनंद मिलेगा। इसलिए कल हम लोग इसको सुन रहे थे, आज उसमें श्री नारद जी उन्होंने जब वसुदेव महाराज पूछे आत्मा को शांति कैसे मिलेगा, तो उन्होंने बोले देखो एक समय श्री नेमी महाराज के दरबार में ये नव जोगेंद्र आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, नौठो सर्वत्र अपना जिधर इच्छा उधर विचरण करते थे, उनका कोई रोक टोक नहीं, और नौ बड़े बड़े महापुरुष। एक दिन वो नौ व्यक्ति आए किसको घर में, श्री नेमी महाराज का घर में आए, तो उन्होंने नेमी महाराज वो नौ व्यक्तियों को नौ प्रश्न किया है। कवि को जो पहला प्रश्न उन्होंने ये कवि को किया था, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, उसका अंदर में नव जोगेंद्र में और एक थे कहते जिनका नाम था करभाजन, कवि हबी अंतरिक्ष प्रभुत प्रभुत पिपलायन करभाजन, ऐसे करके नौ थे, उसमें थे एक करभाजन एक था। तब उन्होंने करभाजन को उन्होंने एक प्रश्न किया, आज हम उसी विषय पर सुनेंगे। उनका प्रश्न था कलिजुग में ये अवतार कौन है, कलिजुग में कौन अवतार कौन भगवान है और उनको प्राप्ति की उपाय क्या बताओ। ये कब की कथा है? बोले ये सत्ययुग की कथा। उसी समय में कलयुग में कौन अवतार आएगा और उनको भक्ति कैसे होएगी, वो पहले से ही शास्त्र हमें बता कर गया। हमें कोई नया मार्ग हमें नहीं निकालनी चाहिए, अपना मन मर्जी कोई भगवान, एक ये भगवान, ये अमुक भगवान, अमुक भगवान, कभी उसको पीछे भगवान बोलकर भागते हैं, उसको पीछे, लेकिन दो दिन बाद में देखते वो जेल में बंद है, जेल में वो देखते वो जेल में बंद हो जाते हैं, है, फिर मर जाते हैं। इसलिए पहले से ही उन्होंने निरूपण कर दिया कलयुग में भगवान कौन और कैसे उनको भक्ति करनी चाहिए। तब उन्होंने जब पूछे तो उन्होंने तीन चार श्लोक को द्वारा उन्होंने इनका आंसर दिया है। आज हम लोग एक श्लोक सुनेंगे, ठीक है, क्या बोलो? कृष्ण वर्णम तिशाम अकृष्ण, सो अंग्रेजी बोला कृष्ण वर्णम बताए तो इसके दो अर्थ बताए, बोले कृष्ण वर्णम मतलब कृष्ण, ये दो वर्ण जो कृष्ण तो उनका देखने में ये उनका जो अंग कांति होगा मतलब ये दो कृष्ण वर्ण जो है और सदा ही उनके मुख में ये दो कृष्ण वर्ण का ही उच्चारण होगा। बोले तिशाम अकृष्ण इसका क्या मतलब हुआ, बोले उनका जो अंग कांति होगा वो अकृष्ण होगा, अकृष्ण मतलब काल, कृष्ण मतलब तो काल है लेकिन अकृष्ण अर्थात वो गौर वर्ण के होंगे। तिशाम अकृष्ण, भैया आए हैं तो फिर कोई अस्त्र शस्त्र भी है उनका, बोले हाँ, बोले सांगो पांग अस्त्र पार्षदम
मतलब कि जब आए हैं तो वो अकेले नहीं आए हैं, उनके अपने सारे पार्षदों को लेकर आए हैं और उनके अस्त्र भी हैं। अस्त्र क्या है? उनका ना भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन जो है वही उनका अस्त्र है। और बाद में यजंती यज्ञ संकीर्तन प्राय, मतलब वो अपने उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रचार करेंगे किसका, बोले नाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे और वो यज्ञ रूपी उसको बता रहे हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय। बोले कि यज्ञ क्यों कहा है? यज्ञ इसलिए कहा है कि भगवान का नाम जो है वो जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ के अंदर क्या होता है, जैसे हवन कुंड होता है और उसके अंदर घी डालते हैं, और तो ऐसे ही हमारे कान रूपी ये यज्ञ पात यज्ञ कुंड बताया गया है, और इस कान रूपी यज्ञ कुंड के अंदर जो है नाम हरि, भगवान का हरि नाम संकीर्तन जो है, भगवान का शुद्ध नाम जो है वो घी रूप में दे रहे हैं, तो इसलिए उसको जो बताया यज्ञ बताया है। इस प्रकार जो है महाप्रभु के विषय में जो अवतार है उसके बारे में बताया गया। इसलिए कहते हैं ये श्लोक में हरे कृष्ण, इसलिए इसमें एक तीन चार श्लोक बताया। कलयुग में भगवान रूप में महाप्रभु आएंगे, भागवत में वो तीन चार श्लोक वहां पर बताया। ये पहला श्लोक है कहते कृष्ण वर्णम। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी दो तीन अर्थ कहते हैं। कृष्ण मतलब है जो बहुत ही सुंदर, इसलिए भगवान का तो बहुत नाम है, लेकिन जब गर्गाचार्य कृष्ण का नामकरण उन्होंने किया है, कृष्ण का नामकरण किया तो उन्होंने भगवान का बताया, तब उसका बहुत सारे नाम है, बहुत रूप है, बहुत गुण इसकी है, लेकिन होने पर भी लेकिन उनका नाम उन्होंने क्या रखा, बोले कृष्ण। इसलिए आसन वर्णाश्रयम जस्य गृह्णत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानी कृष्ण तम गत। गर्गाचार्य ने बताया तुम्हारा बेटा हर युग में आता है, ये सत्य युग में भी आया है, कहते सुक्त सत्य युग में, कहते ये शुक्ल वर्ण हंस अवतार रूप में आए, बोले त्रेता युग में, कहते यज्ञ में रक्त वर्ण रूप में प्रकट हुए, और कलयुग में है, कहते कलयुग में यही कलयुग में श्री पीत वर्ण मतलब गौर रूप में आएगा, बोले इदानी अभी कृष्णताम गता, अभी वो कृष्ण वर्ण लेकर के आए, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण है, इसलिए उन्होंने कृष्ण नाम उन्होंने रखा, मतलब है उनके जितने नामों में सबसे मीठा और सबसे जो बढ़िया नाम ये कृष्ण नाम है। बोले कृष्ण मतलब क्या है, बोले क्री मतलब होता है आकर्षण करना, और स्ना मतलब होता है आनंदना, हर जीव को जो अपना तरफ में आकर्षण करेंगे और हर जीव को जो आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए कृष्ण मतलब वो देखने में बड़ी जो सुंदर है, कृष्ण मतलब होता है सुंदर, देखने में जो बहुत ही सुंदर है, इसलिए कृष्ण इतने सुंदर है। कभी कभी गोपियां कहती हैं नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर्ण की, अच्छा हो गया तेरे को भगवान ने लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, अगर तू लाली बनता है ना, इतने तो सुंदर है, कत भूषणांग भूषणांग में, कहते भूषण को जो भूषण करने वाले हैं, हम भूषण क्यों पहनते हैं अपने सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेकिन जो भगवान क्यों भूषण पहनते हैं उनकी सुंदरता के लिए नहीं, वो भूषणाम को जो सुंदरता देते हैं है? इसलिए कृष्ण कपड़े से क्यों शरीर को ढकते हैं, बोले उनको ऊपर नजर नहीं लग जाए, इतने कृष्ण सुंदर है इसलिए उनको ऊपर कोई नजरिया नहीं लग जाए, इसलिए वो कपड़े से अपना शरीर को ये ढक करके रखते हैं। इसलिए कृष्ण है, कृष्ण मतलब कभी जो कृष्ण जो नाम को जगत में जो महाप्रभु का रूप में जगत को जो प्रचार करने वाले हैं, जो प्रचार करने वाले, इसलिए बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्णम, कृष्ण वर्णम कहते जिसका रंग कैसे होगा, कृष्ण वर्णम दूसरा अर्थ होता है जो कृष्ण वर्ण है जो सुंदर रूप है, हैं कृष्ण जो सुंदर रूप है, इसलिए कृष्ण काले क्यों है, कृष्ण काले किस लिए है, कृष्ण काले है ना क्यों काले है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं नौ बिटते अभ्र बबुसे तड़ितंबराय, कृष्ण काले क्यों, कारण क्या है, बहुत सारे रंग मिला लेकिन अलग अलग रंग दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ा काला रंग मिला तो क्या होगा, वो सारे रंग को
वो अपना लेता है, फिर काला ही काला ही दिखता है। इसका मतलब है अगर कृष्ण भक्ति में अगर कोई डूब जाए ना, फिर तो दुनिया में उसको कृष्ण के बगैर कोई दुनिया दिखता ही नहीं, दुनिया उसको और दुनिया में कुछ। इसलिए चढ़े ना दूजा रंग, काले रंग के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता है। इसलिए आप सबको ऊपर काले रंग चढ़ा, इसलिए घर छोड़ा करके पागल बनाकर इधर ले आए, कोई पति को झूठ बोल करके है और कोई धोखे दे करके इधर उधर बात करके सबके सब यहाँ भाग करके आ गए। इसलिए कहते कृष्ण वर्णम, मतलब जो कृष्ण को हर समय जो वर्णना करते हैं, कृष्ण वर्णम मतलब कृष्ण के नाम रूप गुण को हर समय जो वर्णना करते रहते हैं, इसलिए बोले कृष्ण वर्णम। उसका तीसरा अर्थ है कृष्ण वर्णम, मतलब जो कृष्ण ये जो दो अक्षर है जिसको जीवा में हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, हर समय अपना जीवा में जो कृष्ण कीर्तन करेगा, इसलिए कृष्ण वर्णम। बोले तिसा अकृष्ण, बोले उनका जो अंगकांति होगा कैसे होगा, बोले अकृष्ण मतलब जो कृष्ण नहीं, मतलब जो काले नहीं, फिर क्या बन करके आएंगे, काले नहीं तो क्या होगा, फिर गोरे बनेंगे, बोले वो गोरे बनेंगे। इसलिए महाभारत में बताया है अंत कृष्ण बहिर गौर दर्शितांग आदि वैभवम, महाभारत में बताया महाप्रभु के लिए अंत कृष्ण मतलब अंदर में तो कृष्ण होएंगे लेकिन बहिर गौर, लेकिन ऊपर से क्या होएंगे, ऊपर से वो गौर रंग बनेंगे, ऊपर वो गौर रंग बनेंगे, अंत कृष्ण गौर बहिर गौर। इसलिए कृष्ण वर्ण बोले तिशा अकृष्ण, उसका अंग कांति होगा गौर वर्ण, कहते वो क्या अकेले आएंगे, बोले अकेले नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सब हर्षद सियो धाम सह अवतारी। इसलिए महाप्रभु जब आएंगे पूरा धाम और अपना परिकरों को साथ में आएंगे। इसलिए सा अंग कहते उनका अभिन्न स्वरूप, अंग मतलब अभिन्न स्वरूप कौन है, कहते श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य। नित्यानंद प्रभु कौन, बलदेव प्रभु। अद्वैताचार्य कौन, सदाशिव, ये श्री सदाशिव है अद्वैताचार्य, ये महाविष्णु का अवतार श्री अद्वैताचार्य। इसलिए उनका अंग नित्यानंद अद्वैताचार्य, सांग पांग बोले अस्त्र, उनका अस्त्र कलि युग में क्या होगा, तृतीया युग में अस्त्र किया था भगवान राम का धनुष बाण है, इसलिए द्वापर युग में भगवान चक्र धारण किए। बोले कलि युग में तो उनका अस्त्र भी होगा ना, लेकिन कलि युग में जो अस्त्र है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलि युग में यही अस्त्र होगा। बोले कलि युग में कोई अस्त्र क्यों धारण नहीं किया, बोले एबे अस्त्र ना धरिल प्राणे कार्य ना मारिल, किंतु महाप्रभु का अवतार में उन्होंने अस्त्र धारण नहीं किया, किसको मारे ही नहीं। बोले क्यों नहीं मारे, कारण क्या, बोले कलि युग में कृष्ण ही राधा रानी की जो अंग कांति अंग का शरीर का रंग और भाव लेकर के आई, इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु। अब देखा ना राम तो मारे, मैया सीता किसको मारे, कृष्ण मारे, लेकिन राधा रानी किसको मारी है, राधा रानी किसको नहीं मारे, मैया सीता किसको नहीं मारे, क्यों, माँ है ना, माँ के दिल में भले ही बेटा जितने नालायक क्यों नहीं हो, मैया के दिल में मेरे बेटा है, हैं? वो बात्सल्य हृदय है, इसलिए उनने किसको नहीं मारे। और राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, इसलिए वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर से बोला, इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए चूंकि राधा जी की अंग कांति भाव लेकर के आए, राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु राधा रानी, इसलिए इन्होंने प्राण से किसको नहीं मारे, इसलिए कलयुग में उन्होंने अस्त्र धारण उन्होंने नहीं किया, उन्होंने है, लेकिन कलयुग में उन्होंने अस्त्र किया है, बल्कि हरे कृष्ण महामंत्र ये अस्त्र है। तो यहाँ प्रश्न करते हैं भैया ये हरे कृष्ण महामंत्र अस्त्र कैसे है,
अस्त्र से तो काटते हैं, अस्त्र से मारते हैं, काटते हैं, पर ये अस्त्र कैसे हो गया? हाँ बोले उन्होंने ऊपर से तो उन्होंने मारे नहीं, ऊपर से नहीं मारे, लेकिन हृदय से ना, उन्होंने कहा हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कदी, ये सबके सब बड़े शत्रु हमारी, यही सबसे बड़े शत्रु, ये काम क्रोध ही हमारी सबसे बड़े शत्रु है, इसलिए उन्होंने हमारे हृदय में जो शस्त्र उसको मार डाले। इसलिए देखना जैसे कृष्ण अवतार में उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारे, राम अवतार में मारे, उन्होंने तो सदगति दिया है, सदगति दिया, लेकिन उसी जीवन में नहीं दिया। एक भगवान का नाम है हतारी गतिदायक, मतलब अगर प्रभु किसको मारते हैं लेकिन प्रभु का हाथ में कोई मरे ना उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है, हैं? लेकिन इसलिए हतारी गतिदायक, उनके हाथ में मरने के बाद उनको जरूर गति मिलती है, लेकिन उनको दूसरे जीवन में गति दिया, लेकिन महाप्रभु लीला में उसी जीवन में ही परिवर्तन कर दिया। जैसे जगाई माधाई है, जगाई माधाई बहुत बड़े पापी थे, इतने उसने पाप किया, ये दोनों दुष्ट ने इतने पाप किया, चित्रगुप्त रोज रोज इनके पाप को देख करके, ये जमदूत इसको देख करके चित्रगुप्त को बोलते थे, चित्रगुप्त रोज रोज लिखते थे ये पाप किया, आज उन्होंने ये पाप, शराब या आग लगाए, परस्त्री गमन किया, मारे पीटे, ये रोज रोज बोलते थे। कभी कभी चित्रगुप्त को इतना क्रोध आता था, मारने दौड़ता था, बोले दो व्यक्ति इतना कभी पाप कर सकता है, इतने पाप कर सकते हैं? फिर सोच रहे थे हे भगवान, इतने पाप, इतने पाप, इनके कल्याण कैसे होगा, इनके उद्धार कैसे होगा, वो चिंतन में लग गए। लेकिन महाप्रभु जब उनको सारे पाप को से उद्धार कर दिया, बोले आर यदि ना कर सी शब्दाय मोर, हैं? महाप्रभु बोले देखो एक शर्त है, तब तुम्हारे सारे पाप को मैं नष्ट कर सकता हूँ। बोले क्या शर्त है? बोले आर यदि ना करिस, मतलब आज से अगर तुमने ये पाप और नहीं करोगे, सब दाय मर, मतलब सारे पाप को मैं ग्रहण कर लूंगा। तब जगाई माधाई बोले आर नरे पाप, और हम पाप नहीं करेंगे। जब उन्होंने बोले तो महाप्रभु ने सारे पाप को उन्होंने ग्रहण कर लिया। जब पाप को ग्रहण करके महाप्रभु उनको भक्ति दिया ना, जम लोग में जम महाराज चित्रगुप्त, उनको जितने परिकर लोग हाथ उठा उठा करके नाच रहे थे, हैं, नाच रहे थे, बोले देखो महाप्रभु कितने दयालु, इतने जो पाप करने वाले व्यक्तियों का उन्होंने पूरा इनके अपराध को दूर कर दिया, नाच रहे थे। और महाप्रभु को बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, वहां पर जय जयकार कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे वहां पर, मतलब महाप्रभु इसी शरीर में, इसी जीवन में, उनको जीवन को उन्होंने परिवर्तन करके उनके हृदय में उन्होंने भगवान की भक्ति की रस को उन्होंने संचार कर दिया इसी जीवन में। इसलिए बोले अस्त्र पार्षदम, इसलिए कलयुग में अस्त्र क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र अस्त्र है, अस्त्र से जैसे काट देते हैं। इसलिए महाप्रभु बोले क्या, बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसमर्पणम परम विजय तेस कृष्ण संकीर्तन, मतलब अगर कोई हरिनाम संकीर्तन करेगा तो उसको ये सात चीज की प्राप्ति होगी। कितना चीज की? सात चीज उसको मिलेगा। हाँ बोलो तो इसका मतलब क्या है? हाँ बोलो बोलो, तुम बोलोगे तुम बोलो बोलो गजेंद्र बोलो, हाँ तुम बोलो, चेतो दर्पण मार्जन, हाँ सुन लो, चित्रूपी दर्पण जो है हमारे हृदय रूप दर्पण जो उसका मार्जन होगा, भाव महादावाग्नि निर्वापणम, हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी जो अग्नि जल रही है उसका दमन होगा, भाव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका इसको ना, अगर इसको अगर हरे कृष्ण अगर इसको अगर हम क्लास देते हैं ना, हरी कथा बोलते हैं, तब ये क्या होता है ना, एक भी चीज दिल में बैठ जाती है। जब कथा नहीं सुनाओगे ना, भले ही तुमने कितने सुन लो, बोलते समय बोल नहीं पाओ। इसलिए जब कथा सुनाने के लिए कोई चीज पढ़ोगे, वैसे पढ़ रहे हो, लेकिन हमें कथा सुनाना, फिर वो चीज पूरा दिल में, वो चीज बैठ जाती है, पूरा दिल में बैठ जाती है। क्यों? वो एक तरफा एग्जामिनेशन हो जाता है,
हैं, पढ़ करके हमको उसको बोलना, तब किसी चीज को बोल पाओगे जब उसका पूरा डाइजेशन करोगे, हजम करोगे, तभी तो ये चीज को बोल सकते, नहीं तो बोल नहीं सकते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए दोनों दोनों में डिस्कशन, तुम एक श्लोक सुनाओ, दूसरे दिन वो श्लोक तुम्हें सुनाए, तीसरे से वो सुनाए, तुम दोनों रहते हो घर में, ऐसे ऐसे कर लो। इसमें क्या होगा, एक तो हरिकथा डिस्कशन हो जाएगी, हरिकथा डिस्कशन, फिर दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, फिर दिमाग में चिंतन क्या रहेगा, वही चीज की चिंतन रहेगी। जब हम बोलेगा हमें सुनाने के लिए दिमाग में, नहीं तो दिमाग इसका काम ही कुछ सोचना, अगर प्रभु का बारे में नहीं सोचोगे, माया के बारे में सोचोगे, अगर कोई बोलेगा ना अरे हम सब बोलना बोलना नहीं चाहते हैं, इसे अभिमान हो जाएगी, नहीं तो अभिमान किसके नहीं बताओ, अभिमान किसके नहीं, सारा दुनिया के अभिमान बढ़ा हुआ, हम ये है वो है वो है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे घास का भी अभिमान है, सभी का अभिमान है, इसलिए अभिमान भक्ति का अभिमान हो। इसलिए जब गुरु सुनाओगे फिर दिमाग में वही चीज तुम्हारी, जब गुरुदेव मथुरा में रहते थे सबको बोलते थे, एक एक ब्रह्म सूत्र देते थे, नहीं तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चितिया गुरुदेव सबको खड़े करते थे, तुम बोलो तुम बोलो। हम लोग क्या करते थे, 8-10 दिन से पढ़ना शुरू करते थे, हैं अगर पूछेंगे तो एक एक पॉइंट, अगर पहले कोई बोल देगा तो सेकंड में बोलेगा, उसको तो बोलना पड़ेगा, इसलिए आपको बहुत सारे पॉइंट की जरूरत है, वो बोल दिया तो वो चला गया, दूसरा बार रिपीटिंग नहीं कर सकते गुरुदेव, रिपीटिंग नहीं कर सकते गुरुदेव बोलते थे, रिपीटिंग नहीं, कोई नई बात बताओ, कुछ नई, तब नई बात जानने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, हैं। इसलिए तुम आपस में डिस्कशन करो। हाँ, इसमें बताए, इसलिए आप लोग भी अपना घर में रोज नाम आठ खोलो, हरी कथा सुनाओ, एक एक टॉपिक को इनको बोलो, एक एक टॉपिक, एक एक टॉपिक तैयार करो, टॉपिक तैयार करके दूसरों को कथा सुनाओ, दूसरों को कथा सुना, जब कथा सुनाएंगे दूसरों को, फिर पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तो फिर दिमाग में फिर तुमको भगवत चिंतन होगा, नहीं तो भगवत चिंतन नहीं करो फिर माया की चिंता करो, मन का काम है कुछ सोचना, अगर भगवत चिंतन नहीं करो फिर माया की चिंतन कर, उल्टा पुल्टा दिमाग में आएगा। इसलिए एक कांटा से दूसरे कांटा निकाल सकते है, वही कांटा एक चुभ गई है, अभी वो कांटा को निकालने के लिए तुमको दूसरे कांटा चाहिए, है? इसका मतलब है माया की कांटा हृदय में चुभ गई, अभी ये माया को निकालने के लिए दूसरे कांटा की जरूरत है, दूसरा कांटा क्या, मतलब भगवत चिंतन रूपी कांटा है, ये दूसरे कांटा को तुम ये करो, फिर तो दूसरे, फिर दोनों कांटा को तुम एक को द्वारा दूसरे को तुम निकाल सकते, मतलब है जो एक माया के नियम बन गई, अभी भगवत भक्ति के नियम बना रहा, भगवत भक्ति रूपी चिंतन रूपी नियम बनाओ, फिर तो दूसरे चीज अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप वो चीज चली जाएगी, ठीक है ना। हरे कृष्ण, इसलिए हरे कृष्ण, इसलिए फिर प्रचार करना, हरि कथा प्रचार करना, टेलिंग एवरीबडी नेसेसरी, यू प्रीचिंग एवरी डे, टेलिंग हरि कथा, समझ रहे हो, ये तुम भी कथा सुनाना, जो कथा सुनाती है ना, हाँ पकड़ के ले आना, पकड़ के सुनाना, तुम्हारे जो परिवार लोग है ना उनको जो कथा सुनती हो वो कथा को धीरे 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 सुनाते रहना, कभी कोई ग्रंथ पढ़ते रहना, वैष्णव चरित्र को पढ़ो, ठीक है। हरे कृष्ण, सांग पांग अस्त्र पार्षदेई, इसलिए कलयुग में अस्त्र क्या है, तुम भी, ऐसे नहीं केवल वैष्णव को बुलाकर घर में प्रोग्राम करवा, नहीं, ये तो आए प्रोग्राम करके चले गए, ये प्रोग्राम करके चले गए, लेकिन उसको बाद में अगर उनको पानी नहीं मिलेगा ना फिर क्या होगा, वो जो थोड़ी हरी भरी करके चले गए फिर धीरे 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 धीरे, इसलिए मैंने वो एक विशाखा दीदी है, वो ग्रेटर नोएडा में रहती है, फिर मैंने उनको एक भक्ति वृक्ष ग्रंथ दिया है, मैंने कहा ये भक्ति वृक्ष में लिखा हुआ है, पहले दिन जब कोई व्यक्ति आए उसको कितना कथा सुनाना, 10 मिनट कीर्तन करो, एक माला जप करो, उसमें बताया एक माला जप करो सबसे बैठा करके, और 10 मिनट कीर्तन करो, और पहला जो सप्ताह में तो आप क्या सुनाओगे उसमें लिखा हुआ, 10-15-20 मिनट उसमें क्लास है, फिर उसको क्लास को बोले, फिर उनके क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर भी उसमें है, इतने थोड़ी सी क्लास में, और उसमें लिखा हुआ है पहला सप्ताह में क्या क्लास दोगे, ऑलरेडी लिखा हुआ, दूसरे सप्ताह में क्या क्लास दोगे वो भी लिखा हुआ है, ऐसे करते करते उसने ऐसे करते करते प्रचार किया, मैंने वो ग्रंथ उसको दिया, अभी उसने, अब सोच नहीं सकती हो, वो अभी वो रोज रोज क्लास दे रही है, रोज क्लास, और ऐसे उसने भक्त बनाए, ऐसे जो व्यक्ति 1-1 लाख हरिनाम कर रहे घर में रहते हुए, 1-1 लाख हरिनाम कर रहे,
और वहाँ पर सोसाइटी बनाया, अभी हर साल वहाँ कथा होती है। अभी कृष्णा नोएडा में वहाँ पर एक जगह भी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बड़ी जगह लेने के लिए कम पैसा में सरकारी रेट में अभी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर हम कथा नहीं सुनाएंगे ना, फिर तो कुछ तो दुनिया की, फिर तो दुनिया की कोई कथा तो होगा, कृष्ण कथा नहीं तो दुनिया कथा है। इसलिए कोशिश करना जितने हम गुरु वैष्णव से सुनते हैं है, सुन करके कोई कोई वैष्णव की कथा सुना, भागवत से नहीं तो भगवत गीता लो, भगवत गीता लेकर पहले थोड़ा पढ़ो है, पढ़ोगे तो दिमाग में वो चीज बैठेगी। जब सुनाने के लिए पढ़ोगे ना, वो पढ़ाई एकदम परफेक्ट होता है, परफेक्ट होता है। देखना धीरे धीरे वहाँ पर एक ग्रुप बन जाएगी, ग्रुप बन जाएगी तो फिर तुम्हारे अंदर उत्सव आएगी। आज ये उत्सव करेंगे, कल ये उत्सव करेंगे, ये उत्सव करेंगे, कुछ भक्त बन गए वहाँ पर, देखना फिर तुमको तो कलयुग में संगे शक्ति, अकेले भक्ति नहीं कर सकते हो। वहाँ पर उसने ग्रुप बनाया है, हमारे विशाखा ग्रुप बनाया, फिर कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। वो इतने सुंदर बोलते 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 इतने बढ़िया कथा बोला बोलती है ना। अभी वो आई थी वहाँ पर नोएडा में जन्माष्टमी में खड़े किया, क्या कथा उसने सुनाया, याद है तुम्हें? नहीं गई थी ना, बहुत अच्छी कथा सुना। इसलिए अपना घर में नाम हाट खोलो, हरी कथा सुनाओ, सुना ठीक है। इसलिए एक बोले कलयुग में जो अस्त्र है ये हरि नाम, ये अस्त्र है हरि नाम, ये अस्त्र हरि नाम है, है? इसको अस्त्र से जैसे काटते हैं, जब हम हरि नाम करते हैं हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह है वो इसको काट देता है, ये इसको काट देता है। इसलिए इसलिए अस्त्र पार्षदम कहते आए कैसे, बोले उनका परिकर है, उनका परिकर कौन कौन, कहते श्रीवास पंडित गदाधर है, स्वरूप दामोदर राय रामानंद, ये सब महाप्रभु के साथ में ये सब परिकर लोग आए। इसलिए कहते जो कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, कलयुग में जो बुद्धिमान होंगे क्या करेंगे, इधर उधर कोई ज्ञान में, कोई कर्म में, कोई योग में, कोई भोग में, कोई इधर उधर मतवाद में सबके सब भटक रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे कलयुग में, ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान को आराधना करेंगे। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा, कलयुग में और कोई धर्म नहीं, केवल एक हरि नाम ही एक धर्म है, ठीक है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री गुरुदेव बोलते थे जब दूसरे दूसरे बार आओ ना, दस दस व्यक्तियों को लेकर आओ, दस दस व्यक्ति को कब आओगे, जब हम कथा प्रचार करेंगे, कथा सुना के चलो वृंदावन चलते, कार्तिक महीना चलो गुरु बना कर हम सबके सब श्री वृंदावन चलते, तभी तो आओगे ना, जब कथा सुनाओगे। महाप्रभु यही आदेश दिया, जिसको देखो ये मेरी आदेश है, जिसको देखो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो भगवान की कथा बोलो, ठाकुर जी की कथा बोलो। जितने जानते हो, जितने तुम गुरु वैष्णव से सीखे हैं, उतना ही दूसरों को सुनाओ, ठीक है ना। हाँ हरि बोल, तुम लोग भी प्रचार करना, ठीक है ना। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस जैसे हमारे ब्रजवाला दीदी तो एक गोपी बनी, तुम लोग को मदद कर रही है, कथा सुना रही है, अगर तुम लोग सुनोगे तुम लोग समझोगे, दूसरों को समझाओगे, दूसरे का कल्याण है, तुम्हारे भी कल्याण है, पहले तो अपना कल्याण होगा। क्यों भगवान की कथा सुनाओगे तो दुनिया की तो बात तो सुना ही नहीं रहे, ठाकुर को कथा सुना रहे हो, ठीक है ना। तुम भी कोशिश करो वहाँ पर एक ग्रुप बनाने के लिए, धीरे 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 अपना स्वभाव को धीरे धीरे बदलाओ, इधर उधर बैठी करके उसको बेटा बेटी दुनिया की बात नहीं करके हरी कथा सुनाओ, सबको बुला लो, संडे संडे प्रोग्राम रखवा लो, हाँ संडे संडे करके अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे इतना परिवार को बुलाओ, कम से कम अपना घर में थोड़ा कीर्तन करो, हैं। अगर दीदी आती है कथा सुना देती है, अगर नहीं हो तो तुम सुनाओ, नहीं तो मेरे को पूछो महाराज हम क्या कथा सुनाएंगे, अरे हम बता देंगे, आज तुम ये कथा सुनाओ, आज तुम ये कथा सुनाओ, हाँ हम तुम्हें बता देंगे ये कथा सुनाओ, ठीक है ठीक है। गौर प्रेमानंद अभी उड़िया लोग बैठे हुए, थोड़ी उनको कथा सुनाना, ठीक है। ये ऐसे न सुना आइसक्रीम इनको थोड़ा तक और है ना, इनको थोड़ा दे दो, इनको नहीं मिला आइसक्रीम तो खा लो, ठीक है। बोला अच्छा आज 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 तुम्हें जब आज तुम्हारा उत्सव थी ना, ए समझ तो फेल कर दिया,
तुम्हारा आइसक्रीम यदि यहाँ रख लो ये बार सब खुआ लो नहीं नहीं अच्छी से टिप टिकी अच्छी नहीं नहीं आउट आने दरकार ये खाई आइसक्रीम खूब भल खूब बहुत आज तुम खोला बहुत भल सब तरकारी प्रकार भल।